समय का पहिया गोल है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 7 बेस्ट वॉच बिफोर योर डाई मूवीज बताऊंगा। यह मूवीज आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी का नाम है आवेशम 2024। तीन किशोर अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए बेंगलोर पहुँचते हैं और सीनियर्स के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। उन्हें बदला लेने में मदद करने के लिए रंगा नामक एक स्थानीय गैंगस्टर मिलता है। एक गैंगस्टर बॉस अक्सर शराब बार में अपने गुंडों के साथ मौज मस्ती करता है। जब वह किसी मुद्दे पर स्थानीय लोगों के साथ लड़ाई में शामिल नहीं होता है, वह स्थानीय कॉलेज के 3 छात्रों के लिए सुरक्षात्मक हो जाता है, जो मदद के लिए उसके पास आते हैं क्योंकि वे अपने कॉलेज के सीनियर्स से परेशान हो रहे हैं। 7.9 IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी आपको प्राइम वीडियो एंड हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी तुम्बाड 2018। 1920 के दशक में तुम्बाड में स्थापित कहानी एक परिवार की 3 पीढ़ियों के इर्द गिर्द घूमती है, जो हस्तर नामक एक देवी के पहले जन्मे बच्चे के लिए एक मंदिर बनाने के परिणामों का सामना करती है, जिसे पूजा नहीं किया जाना चाहिए। हस्तर एक भयानक प्राणी है जो किसी व्यक्ति को श्राप दे सकता है, फिर भी सोने के सिक्के दे सकता है। और कहानी मानव स्वभाव और कभी न खत्म होने वाले लालच पर जोर देती है। जब समृद्धि की देवी ने हस्तर को ब्रह्मांड के सभी सोने या सभी भोजन का स्वामित्व देने की पेशकश की, तो उसने सोना ले लिया और साथ ही अपने भाइयों और बहनों के साथ लालच में भोजन पर कब्जा करने की कोशिश की। 16 करोड़ देवी देवताओं ने एक शर्त पर उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया कि हस्तिया का कभी भी पुराणों में उल्लेख नहीं किया जाएगा और न ही उसकी पूजा की जाएगी। 8.2 IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड 2004। जब उनके रिश्ते में खटास आ जाती है, तो एक जोड़ा एक दूसरे को अपनी यादों से हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरता है। अपने आश्चर्य से बहुत डरपोक जोएल बैरिश को ये पता चलने पर झटका लगता है कि उसके जीवन का प्यार चमकदार क्लेमेंटाइन उसे अपनी यादों से मिटा चुकी है। नतीजतन आहत और क्रोधित जोएल उसे उसी सिक्के में जवाब देना चाहता है, यहाँ तक कि वही करने के लिए एक दर्द रहित लेकिन जटिल चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरने के लिए भी जाता है। हालांकि बेचारा जोएल इस बात से पूरी तरह अनजान है कि अंधकार प्रकाश का एक अनिवार्य हिस्सा है, और जैसे जैसे क्लेमेंटाइन की एक बार की पोषित यादें धीरे धीरे फीकी पड़ती हैं, एक निष्प्राण काले शून्य को रास्ता देती हैं, कुछ अप्रत्याशित होता है। अब जोएल के मन में दूसरे विचार आते हैं। 8.3 IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी जैंगो अनचेंड 2012। 1858 में किंग शुल्ट्स नामक एक इनाम शिकारी जैंगो नामक एक गुलाम की तलाश करता है और उसे खरीद लेता है क्योंकि उसे कुछ ऐसे लोगों को खोजने के लिए उसकी जरूरत होती है जिनकी उसे तलाश है। उन्हें खोजने के बाद जैंगो अपनी पत्नी ब्रूमहिल्डा को खोजना चाहता है, जिसे उसके साथ उसके पूर्व मालिक ने भागने की कोशिश करने के लिए अलग से बेच दिया था। शुल्ट्स उसकी मदद करने की पेशकश करता है अगर वह उसके साथ रहना और उसका साथी बनना चाहे। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उसे मिसिसिपी के एक बागान में बेच दिया गया था। ये जानते हुए कि वे बस अंदर जाकर यह नहीं कह सकते कि वे उसे चाहते हैं, वे एक योजना बनाते हैं ताकि मालिक उन्हें अपने घर में स्वागत करे और एक रास्ता खोज सकें। 8.5 IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी फाइट क्लब 1999। एक अनिद्रा से पीड़ित ऑफिस कर्मचारी और एक बेपरवाह साबुन निर्माता एक भूमिगत फाइट क्लब बनाते हैं जो बहुत आगे तक विकसित होता है। एक अनाम प्रथम व्यक्ति कथाकार एडवर्ड नॉर्टन अपनी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करने और अपनी अनिद्रा की स्थिति से राहत पाने के प्रयास में सहायता समूहों में जाता है। जब वह माला हेलेना बोनहम कार्टर से मिलता है, जो सहायता समूहों की एक और नकली सहभागी है, तो उसका जीवन थोड़ा और सहने योग्य लगने लगता है। हालांकि जब वह खुद को टाइलर ब्रैडपिट के साथ जोड़ता है, तो उसे एक भूमिगत फाइट क्लब और साबुन बनाने की योजना में घसीटा जाता है। साथ में दोनों पुरुष नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और प्यार और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्विता में संलग्न होते हैं। 8.8 IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी द गॉडफादर 1972। गॉडफादर डॉन वीटो कोर्लियोन न्यूयॉर्क में कोर्लियोन माफिया परिवार का मुखिया है। वह अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रम में है। वीटो का सबसे छोटा बेटा और द्वितीय विश्व युद्ध का एक सजायाफ्ता मरीन माइकल शादी में मौजूद है। ऐसा लगता है कि माइकल को पारिवारिक व्यवसाय का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वीटो एक शक्तिशाली व्यक्ति है और उन सभी के प्रति दयालु है जो उसे सम्मान देते हैं, लेकिन जो सम्मान नहीं देते उनके प्रति निर्दयी है। लेकिन जब एक शक्तिशाली और विश्वासघाती प्रतिद्वंद्वी ड्रग्स बेचना चाहता है और इसके लिए उसे डॉन के प्रभाव की आवश्यकता होती है, तो वीटो ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद वीटो के लुप्त होते पुराने मूल्यों और नए तरीकों के बीच टकराव होता है, जिसके कारण माइकल वह काम कर सकता है जिसे करने में वह सबसे अधिक अनिच्छुक था, और अन्य सभी माफिया परिवारों के खिलाफ एक भीड़ युद्ध छेड़ सकता है जो कोर्लियोन परिवार को तोड़ सकता है। 9.2 IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। लास्ट मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन 1994। एक बैंकर जो कि ऑक्सोरिसाइड के लिए दोषी ठहराया गया है, एक कठोर अपराधी के साथ एक चौथाई सदी से अधिक समय तक दोस्ती करता है, जबकि अपनी बेगुनाही को बनाए रखता है और सरल करुणा के माध्यम से आशावादी बने रहने की कोशिश करता है। शॉशैंक के उदास जेलखाने में एक कैदी के रूप में एक पूर्व सफल बैंकर के अनुभवों का वृतांत एक ऐसे अपराध के लिए दोषी पाए जाने के बाद जो
उसने किया ही नहीं था। फिल्म में उस व्यक्ति के अपने नए यातनापूर्ण जीवन से निपटने के अनोखे तरीके को दर्शाया गया है। इस दौरान वह कई साथी कैदियों से दोस्ती करता है, जिनमें सबसे खास तौर पर रेड नामक एक बुद्धिमान दीर्घकालिक कैदी है। 9.3 IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। तो इन 7 बेस्ट मूवीज में से आपने कितनी मूवीज देखी है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करने जा ही रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।